Hello you guys, welcome back to my channel. This is Harshita and I hope you all are doing extremely well. So guys, आज का वीडियो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू विच इज अ न्यू लॉन्च एंड मैं बहुत ही ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ यू नो इसके बारे में आपको बताने के लिए. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू देने वाली हूँ, वैसे तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, स्टिल so if you want to know ki which product is this, you have to watch this video till the end. But before that, you have to subscribe to my channel and hit the notification button if you haven't already. Also guys, you can follow me on my Instagram handle as well, which is Harshi's Glam. You can find the link in my description box also. So without any further ado, let's get started. So guys, जैसे कि मैंने बताया कि this video is all about a new launch, which is my Glam Super Serum Foundation with Hyaluronic Acid and SPF 30. So guys, सबसे पहले हम इसकी ना packaging के बारे में बात कर लेते हैं. आज इधर उधर की बात नहीं करते, जल्दी जल्दी you know पूरे product के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बस बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे कहीं निकलना है. So ये जो product है ना, हमारा पूरा एक normal एक cardboard type का package आता है and बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा packaging है, क्योंकि golden color का इसका packaging है and सारी details जो है ना इसके आपको box पे ही मिल जाएगा कि ये फाउंडेशन क्या क्लेम करता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या नहीं है, सारे यू नो आप स्कैन कर सकते हो एंड इसमें जो है शेड्स भी आप अपने इसको देख सकते हो. मेरे पास जो शेड है, दिस इज 302W, विच इज वीट, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से लाइट है, बट मुझे कोई और फाउंडेशन मेरे यू नो स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं मिला, सो मैंने ये शेड ही ट्राई कर लिया. सो गाइज, अब इसके मेन प्रोडक्ट पे आते हैं, विच इज दिस बॉटल. सो दिस इज अ ग्लास बॉटल गाइज एंड इसमें आपको पंप मिलेगा टू यू नो आप प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए. सो बहुत ही ज्यादा मुझे क्लासी पैकेजिंग लगी, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, सो मुझे बहुत ही यू नो आजकल ट्रेंड में भी इस टाइप का डिजाइन चल रहा है, सो इन लोगों ने इसी टाइप को फॉलो किया है एंड बहुत ही अच्छा मुझे लगा. सो अगेन, मैंने जैसे बताया कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है. सो ये प्रोडक्ट है कि दिस इज क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड, मिनरल ऑयल फ्री, पैराबेन फ्री, फ्री. सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए कि इसमें क्या क्या है. अब इसकी टेक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं. सो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा थिक टेक्सचर का है, बिल्कुल भी रनी नहीं है एंड ये बहुत ही ज्यादा ना स्मूथ लग रहा है. प्लस मुझे इसमें कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं दिख रही है एंड मैं इसको अब आपको ना दो तरीके से लगा के दिखाऊंगी. सो एक तरफ मैं दिखाऊंगी आपको फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से एंड एक तरफ जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि ये जो है किस तरीके से ब्लेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है एंड ये इसके कवरेज कैसा है. सो गाइज, आप देख सकते हो कि मैंने डॉट डॉट फॉर्मेट में जो है एक तरफ अपना फाउंडेशन लगा लिया है. इसको मैं अपने यू नो ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी एंड ये इजीली ब्लेंड हो रहा है, स्मूथली ब्लेंड हो रहा है. पर मुझे ऐसा लगता है आपको हल्का सा थोड़ा सा टोनर या स्प्रे मारना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ब्लेंड होने में या इवनली स्प्रेड होने में, बट इजीली स्प्रेड हो गया है. ऑल्सो गाइज, ये मीडियम कवरेज है, फुल कवरेज नहीं है एंड अगर आप डेली पर्पज में लगाना चाहो ना तो डेफिनेटली ये बेस्ट फाउंडेशन है डेली पर्पज के लिए. लेकिन आप किसी पार्टी फंक्शन या आप प्रोफेशनली भी किसी क्लाइंट को रेडी कर रहे हो उसके लिए फाउंडेशन नहीं है ये. डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा ड्यूई लुक तो दे रहा है बट इतना ज्यादा नहीं दे रहा. मुझे लग रहा है इसके अंदर भी मुझे अगेन कुछ इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर टाइप कुछ लगाना पड़ेगा, सो दैट मुझे थोड़ा ज्यादा यू नो ड्यूई इफेक्ट लाए. एंड सेकेंडली, जो मैंने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है गाइज, यू कैन सी कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिला है. ब्लेंडिंग ब्लेंडर से ज्यादा अच्छा मुझे लगा, कवरेज इसने थोड़ी सी ज्यादा दी. अगेन स्मूथली ये जो है स्प्रेड हो गया है लेकिन थोड़ा सा थिक है. अगेन जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा मेकअप फिक्सर या टोनर टाइप कुछ डाल लोगे तो अच्छी तरीके से ये स्प्रेड हो जाएगा. सो गाइज, आप जैसा देख सकते हो कि इससे मुझे मीडियम कवरेज दिया है. डेफिनेटली बिल्डेबल है, दो तीन लेयर्स के बाद ये ना अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है दो तीन लेयर मैं लगाती हूँ ना तो थोड़ा केकी भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा थिक फाउंडेशन है. अदरवाइज डेली पर्पज के लिए दिस इज अ गो टू फाउंडेशन फ्रॉम माई साइड. लेकिन अगर आपको कोई ड्यूई फाउंडेशन लुक किसी क्लाइंट पे करना है तो डेफिनेटली मैं इतना ज्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूंगी आपको. आप और भी ऑप्शंस यू नो देख सकते हो. प्लस इसमें SPF 30 है तो डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन अलग से लगाने की नीड नहीं पड़ेगी. हाइलोरॉनिक एसिड है इसमें तो ये आपको थोड़ा सा अगेन जैसे इसने ड्यूइनेस दिया है, हाइड्रेशन भी दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा बट ओके ओके दे रहा है. सो इट इज अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड. लेकिन दैट टू कि अगर आप नॉर्मल डेली पर्पज में लगा रहे हो तभी पार्टी फंक्शन के लिए मैं इतना ज्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूंगी. इस रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे. प्लस अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, ये 700 का आपको MRP पे मिल जाता है. लेकिन अगर आप माइग्राम ऐप से इसको यू नो परचेज करते हो तो डेफिनेटली उस पर हमेशा यू नो ऑफर्स चलते ही रहते हैं, तो आप वहीं से इसको परचेज करना. अगर आप चाहो इसको परचेज करना, आप ट्राई डेफिनेटली इसको दे सकते हो. ऐसा बुरा भी फाउंडेशन नहीं है बट ओके ओके फाउंडेशन ही है डेली पर्पज के. दिस इज अ गुड फाउंडेशन. इसमें यू नो अराउंड 6 to 7 शेड्स आते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. ऑल्सो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी कि आप कहाँ से खरीद सकते हो, अमेजोन, नाइका एंड माइग्राम की खुद
की वेबसाइट या ऐप से, तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो। ऑल्सो गाइस, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, छोटा सा प्यारा सा रिव्यू, तो डेफिनेटली इसको थम्स अप देना एंड सेव शेयर कमेंट भी करना मत भूलना। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी स्वैचेस के बारे में पूछना है, या अगर आपको कोई और अलग प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए, डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ, प्लीज आप समझ सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करो। एंड गाइस, आप जो मेरा ये मेकअप लुक देख रहे हो, प्यारा सा सुंदर सा आई लुक, इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। इस आई लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, आई बटन मैंने टैग कर दिया है, डेफिनेटली इसको चेक जरूर कर लेना अगर आपको ये आई लुक पसंद आया है तो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।